ये मेरे को पता है कि ऑफ रोड में ना पूरे यहाँ से ये चले जाने वाले, ये दिख रहे हैं ना आपको, हर बार ना मेरी यहाँ से लगती है, यहाँ से 130y 80y 17। Hey guys, welcome back again my YouTube channel Flying Heroes। So guys, आज की हमारी प्लानिंग रहने वाली है कि मेरी जो 398B है ना, उसका टायर एकदम ख़त्म हो चुका है और हम लद्दाख की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैंने ऑनलाइन वैसे टायर तो मंगा लिया है, टायर मार्केट की वेबसाइट से नहीं मंगाया। आगे वाला जो टायर है वो तो आगे टायर मार्केट की वेबसाइट से मंगाया था, और पीछे वाला मैंने मंगाया अमेजोन से वी रबर का टायर। तो अभी ये देखो कंडीशन देखो मेरे गाड़ी के टायर की, एकदम देखो पूरे ये ना ये खड्डे पड़ चुके हैं यहाँ पे। ये मेरे को पता है कि ऑफ रोड में ना पूरे यहाँ से ये चले जाने वाले, ये दिख रहे हैं ना आपको। तो पूरा ख़त्म तो नहीं हुआ है, पर सेफली पॉइंट यही है कि लद्दाख वगैरह कोई प्लानिंग कर रहे हो तो टायर पहले से चेंज करवा लो। आगे वाला भी मैंने कौन सा लगवाया, मैंने लगवाया स्पीड ब्लास्टर रालको का 190। क्या साइज़ है इसका, साइज़ कहाँ पर लिखा है यार, देख लेता हूँ। 190/19 है, 190/19। ये मैंने टायर मार्केट की वेबसाइट से मंगाया। अभी देखो कंडीशन देखो, ये जो 7 के ड्यून्स में गए थे ना पिछली बार, ये देखो क्या लगा है झाड़ियों के, और लाइट ऑन ही पड़ी है अपनी 398B की। कोई बात नहीं भाई, अभी निकलना है बस। और नीचे का ये बेस प्लेट है ना, ये बहुत ही बेकार है यार, ये इससे बहुत इरिटेशन होता है। हर बार ना मेरी यहाँ से लगती है, यहाँ से ये ना बहुत इरिटेशन करता है यार, क्योंकि इसके जो हाइट है ना ज्यादा होने की वजह से ये ड्रॉबैक है इसका। तो अभी निकलता हूँ बाइक से मैं सबसे पहले, और टायर लेता हूँ, उठाता हूँ और टायर चेंज करवाते हैं हम। तो गाइस अभी अपने को टायर खोलना है, क्योंकि टायर वाले के पास गए थे, उन्होंने बोला मेरे से टायर नहीं खुलेगा, टायर खोल के लाना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले ये नट खोल के मैं खुद ही खोल रहा हूँ यार। तो अभी देखते हैं कैसे खुलता है। बाकी टूल किट है अपना, टूल किट सारा निकालता हूँ मैं। टूल निकल जा भाई। सो गाइस अपनी गाड़ी का टायर निकल चुका है यहाँ से, मैंने निकाल लिया, बस ओनली फॉर एक नट था उसको रिमूव किया, और उसके बाद वो पूरा इसका जो है वो बाहर आ चुका है। अभी लगाना है तो वापस ये जो है ना ये रबड़ वाले ये यहाँ पे लगा के और वापस से फिट करना है अपने को। सबसे पहले ये जो टायर है ना इसको चेंज करवाएंगे, और पैर पे गिरा। तो गाइस अपनी गाड़ी का ये टायर है 130y 80y 17, और वी रबर कंपनी का है, वी रबर। इसका जो लुक है ना गजब वाला यार, ग्रिप क्या ही शानदार लग रहा है यार, दिखने में बहुत मस्त है। अभी जैसे चेंज होगा ना उसके बाद चला राइड करने के बाद पता चलेगा। वैसे लद्दाख में तो पूरा पता चलने ही वाला है कि वी रबर की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी के मामले में तो मेरे को अच्छा लग रहा है, पर अभी देखते हैं चेंज करवा के। और सेम साइज़ है, पहले वाला भी यही साइज़ है। पहले अपनी गाड़ी में मेडजुलर का टायर लगा था जिसकी कॉस्टिंग थोड़ी तो ज़्यादा है। ये रेडियल टायर है, और वो जो अपने चेंज करवा रहे हैं ना वो नॉन रेडियल है, और उसका कॉस्टिंग अराउंड 4200 समथिंग कुछ रहा था वी रबर का। सो बिना टायर की रिम हो चुकी है, शैम्पू है मैं। अच्छा रोटेशन और देखना पड़ेगा, रोटेशन में तो टायर का ये देवर। अच्छा और दबाव से मोड़ के ग्रिप की साउथ घूमनी है, ग्रिप से ये बार उल्टी गाल दे दबा। हां ये छोटी छोटी गाड़ी में तो कोई दिक्कत को नहीं है, छोटी गाड़ी में दिक्कत को नहीं आवे, नियम में गाल देने पर रोटेशन टायर कटन लग गया। फिर कंट्रोल कौन रहे हो जब बड़े कंट्रोल कौन रहे पर फिनिशिंग कौन रहे तो भाई टायर चल भाई नोनू भाई फिट करना इसको। गाड़ी चक्कर गाड़ी थोड़ी टाइट करी साइड में, अरे गाड़ी ऑटो थोड़ा सा यार अड़े है नहीं। यार गर्मी बहुत, हालत बहुत ख़राब हो रही है, और टायर ने हालत ख़राब कर दी अपनी, क्योंकि ये ना बहुत मुश्किल से लगा था। ये जो इसकी जो इसको क्या बोलते रहे, ये जो नट है ना लंबा वाला, इसको डालने में एक्सल बोलते हैं, क्योंकि ये ना जो यहाँ पे जो लगा ये अलग ही हो गया था यार, इस वजह से थोड़ा सा इशू हुआ था। बाकी कोई जेक वेक लगा बात नहीं है, जेक लाए थे पर जेक को यूज़ नहीं किया। सो गाइस अपनी गाड़ी का टायर तो चेंज हो चुका है, और मैंने ना ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ ना ये 2 दिन के बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि ना 2 दिन तक मैंने ट्राई किया था कि गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है टायर का वो कैसा है। तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट ठीक है भाई, इतना बेकार नहीं कह सकते, और मेडजुलर जितना अच्छा भी नहीं कह सकते, पर जो बजट के हिसाब से जो प्राइस है ना 4000 रुपये की, उसके हिसाब से बहुत बेस्ट है यार। और जो इसकी क्वालिटी की बात करते हो ना, क्वालिटी का इसका जो रबड़ है वो एकदम सॉफ्ट है यार, वो इतना कुछ खास नहीं, एकदम नॉर्मल सा है यार। जो मैंने जो टायर चेंज करवाया था ना तब उसने भी बोला था यार कि ना
ये जो क्वालिटी है इसकी वो इतनी खास नहीं है जो आपका पहले लगा है। मैट जो लड़का देखो वो 13,000-14,000 समथिंग कुछ प्राइस है उसके, और ये 4,000 में। तो देखो रेट का डिफरेंस है तो क्वालिटी का डिफरेंस तो होगा, वो कोई इशू नहीं है, पर रेट के हिसाब से ना बेस्ट है यार ये वी रबर का। अगर आपको भी मंगवाना है टायर तो फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप अमेजोन से मंगवा सकते हैं वी रबर का टायर, और सेम साइज का अवेलेबल है। जो मेट जुलर का लगा था ना वही सेम साइज है। सो बाकी आई होप आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।